हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंडरफुल ऑटो मोबाइल्स। आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी ब्रीजा के जो न्यू फीचर लिस्ट है उसके बारे में आज डिटेल में बात करने वाले हैं। इसमें हमें अब 45 प्लस न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे और इस गाड़ी का जो लॉन्च है वो भी 30 जून को होने वाला है। तो आज हम इस गाड़ी की जो फीचर लिस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी की कंप्लीट फीचर लिस्ट। इसमें जो सबसे पहले है, इसमें अब हमें बोर टैंक मस्कुलर डिज़ाइन देखने को मिलेगा, ज्योमेट्रिक फेंडर्स, एनहेंस ग्रोक प्रेजेंस देखने को मिलेगी, क्लीन बैक लाइन, ऑल न्यू प्रिसीशन कट एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे 16 इंच के, जो कि सिर्फ हमें टॉप मॉडल के देखने को मिलेंगे जो कि है ZXi प्लस। और इसमें हमें ऑल ब्लैक अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे जो कि हैं 16 इंचेस के, वो हमें देखने को मिलेंगे ZXi वेरियंट में। डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फ्लोटिंग डे टाइम रनिंग लाइट्स हमें देखने को मिलेंगे। ये हमें जो फीचर है ये हमें ZXi एंड ZXi प्लस वेरिएंट में देखने को मिलेगा। ऑटो हेडलैम्प्स विद फॉलो मी हेडलैम्प्स लीव मी टू व्हीकल फीचर ये हमें ZXi एंड ZXi प्लस वेरिएंट में मिलेगा जो कि न्यू फीचर है। LED फॉग लैम्प्स देखने को मिलेंगे, ये भी हमें ZXi प्लस वेरिएंट में मिलेंगे। बाई हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे हमें LXi एंड VXi वेरिएंट में। ऑल अराउंड बॉडी क्लाइडिंग देखने को मिलेंगी जो कि हमें LXi वेरिएंट से स्टार्ट हो जाएगी। हमें लाइट्रॉन LED के लैम्प्स देखने को मिल जाएंगे LXi वेरिएंट से ही। बोर्ड रियर सिग्नेचर LXi वेरिएंट से ही हमें देखने को मिल जाएगा। शार्क विंग एंटीना जो कि हमें LXi वेरिएंट से मिल जाएगा वो भी। रियर क्वार्टर एरिया हमें 66% बिगर मिल जाएगा जो पुरानी वेरी ब्रेजा है उससे। और फीचर्स की बात करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाएगी विद क्रेटा फंक्शन, ये फीचर हमें ZXi एंड ZXi प्लस वेरिएंट में देखने को मिलेगा। हेड्स अप डिस्प्ले ये फीचर हमें टॉप मॉडल में ही देखने को मिलेगा। फ्लैग बॉटम स्टीयरिंग भी न्यू फीचर है ऐड करा गया है। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग भी हमें ZXi एंड ZXi प्लस वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। मल्टी लेयर डैशबोर्ड डिज़ाइन विद क्लीन एंड एनहेंसिंग लाइंस ये भी न्यू फीचर ऐड करा गया है। डुअल टोन इंटीरियर ब्लैक एंड ब्राउन ZXi एंड ZXi प्लस वेरिएंट में देखने को मिलेगा। हमें इंटीरियर एम्बिएंट लाइट्स देखने को मिल जाएंगी जो कि हमें ZXi प्लस वेरिएंट में देखने को मिलेंगी। कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाएगा ये भी हमें ZXi प्लस वेरिएंट में देखने को मिलेगा। टाइप ए एंड टाइप सी रियर फास्ट चार्जर USB पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे ये भी हमें ZXi प्लस वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। रियर AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि हमें LXi वेरिएंट से स्टार्ट हो जाएंगे। टॉगल कंट्रोल ऑटो AC पैनल VXi मॉडल से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें अब हमें जो रिड्यूस डोर क्लोज इंड एफर्ट का फीचर देखने को मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 40mm पहली वाली ब्रेजर से हमें बड़ा देखने को मिलेगा। क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा ZXi एंड ZXi प्लस वेरिएंट में। सीक फैब्रिक हमें प्लस एंड इंप्रेसिव हाई फैब्रिक की मिल जाएगी। स्पीशियस एंड कंफर्टेबल सीटिंग देखने को मिल जाएगी। और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी में हमें 1.5 लीटर का K15C इंजन देखने को मिल जाएगा। इसमें हमें 6-speed मैनुअल और 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन VXi वेरिएंट से स्टार्ट होगा और इस वेरिएंट में हमें जो पैडल शिफ्टर्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे और इसमें रिफाइनमेंट भी में भी काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट करी जाएगी। इस गाड़ी में अब हमें न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि है स्मार्ट प्ले प्रो प्लस सिस्टम, और इसमें इसका जो साइज़ रहेगा वो 9 इंचेस का रहेगा। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाएंगे और जो स्मार्ट प्ले प्रो सिस्टम है वो हमें ZXi वेरिएंट से स्टार्ट हो जाएगा, और जो स्मार्ट प्ले स्टूडियो है वो हमें VXi वेरिएंट में देखने को मिलेगा। और इस गाड़ी के अब कलर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो इस गाड़ी में हमें 6 कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। LXi वेरिएंट में हमें सिल्वर कलर, ब्लू कलर, मैग्मा ग्रे, पर्ल आर्टिक व्हाइट, स्विजलिंग रेड मिल जाएगा, और VXi वेरिएंट में उन कलर्स के अलावा ब्रेव खाकी कलर देखने को मिल जाएगा। और इन कलर्स के अलावा ZXi प्लस में हमें ब्लू कलर, ग्रे कलर और वाइट कलर देखने को मिल जाएगा, और ZXi और ZXi प्लस वेरिएंट में हमें गोल्ड टोन कलर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि है खाकी विद वाइट, सिल्वर विद ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, ये हमें कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ब्रेजर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।